हेलो दोस्तों, कैसे हो? चलो, और सब बढ़िया? चलो, होना भी चाहिए। तो हम लोग लास्ट क्लास में देखे थे एक्स प्लस वन बाई एक्स का जो भी फॉर्म था स्क्वायर के रूप में, पावर 3, पावर 4, पावर 5, पावर 6, ये सारी चीज़ों को अपन देखे थे और जो बेसिक था उसको समझने की कोशिश किए थे। तो आई होप आप लोगों में से सब लोगों को चीज़ समझ में आ गया होगा। बट अभी भी एक सेशन आज का और नेक्स्ट सेशन भी इसी का है। थोड़ा मोरा यदि डाउट्स बचा भी हुआ है तो अपन जरूर इसको क्लैरिफाई कर लेंगे। तो जिनको अच्छा लग रहा है सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जिनको नहीं कर रहा है लग रहा है मत करें। चलिए विदाउट एनी फर्दर एड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो स्टार्ट करने से पहले हम लोग पिछली कक्षा जो अपन पढ़े थे पिछले क्लास में उसका रिवीजन कर लेते हैं। क्या था कि एक्स प्लस वन बाई एक्स एन है और यदि प्रत्येक इंडिविजुअल टर्म का स्क्वायर वाला चीज़ पूछा जाए तो आपको क्या है, इसका तो एन स्क्वायर कर देना है। बट देखिए ये प्लस में है यानी कि ये थोड़ा सा धनी आदमी है तो इसको थोड़ा सा गरीब कर देंगे। क्यों? क्योंकि उन्नति कर रहा है। सिमिलरली इस वैल्यू को यदि आप के ले लेंगे और इसका स्क्वायर पूछा जाए तो आपको इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, के स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा। लेकिन जब आप माइनस वाला केस में देख रहे थे और इसका स्क्वायर किया जा रहा था तो एन स्क्वायर तो करेगा ही करेगा, लेकिन देख रहा है कि माइनस है यानी कि गरीब है तो उसको प्लस 2 दे दे रहा था। सिमिलरली जब वो अपने अच्छे पोजीशन से नीचे वाले पोजीशन यानी कि स्क्वायर से सिंपल टर्म माने आना चाह रहा है तो उसको क्या कर रहा है, प्लस माइनस चलो स्क्वायर रूट से ही लोअर ऑर्डर में आएगा तो एन तो होगा ही, जो जैसा है अपने करनी के कारण वो नीचे जा रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो जो जैसा है वैसे ही रहने दीजिए। सिमिलरली इस केस में देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस माइनस एन, और ये कैसा है माइनस में है तो इसको एन माइनस टू कर देना। यही था एक्स क्यू के केस में। आप क्या देखे थे कि अपन एन क्यू तो करेंगे लेकिन ए क्या है पॉजिटिव के साथ तो इसको थोड़ा घटा करके माइनस 3 एन कर देंगे। सिमिलरली ऊपर भी होगा, एक्स माइनस वन बाई एक्स बराबर एन है, यदि इसका एक्स क्यू पूछा जा रहा है तो बोला कि ठीक है हम एन क्यू तो करेंगे लेकिन ये बंदा क्या है माइनस के साथ गरीब है तो उसको प्लस 3 एन कर देंगे। यही फंडा पूरे पिछले सेशन का, आज के सेशन का और नेक्स्ट सेशन जो लेंगे उसका भी यही, केवल यही आपका स्लाइड जो है फंडा है। तो ये था जस्ट हम लोग का रिवीजन पार्ट 2 का। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट से अब हम लोग शुरू करते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है, व्हेन वन माइनस एक्स वन माइनस वन बाई एक्स इज गिवेन एंड हाउ टू फाइंड वन प्लस वन बाई एक्स एंड वाई से वर्सा। कहने का मतलब है कि आपको एक्स माइनस वन बाई एक्स सपोज एन दे दिया है और आपसे पूछ रहा है एक्स प्लस वन बाई एक्स का वैल्यू क्या होगा, या आपको एक्स प्लस वन बाई एक्स का वैल्यू सपोज के दे दिया है और आपसे पूछ रहा है कि एक्स माइनस वन बाई एक्स का वैल्यू क्या होगा। मतलब कि यदि आपको सेम ऑर्डर में पॉजिटिव दे दिया गया हो तो आपसे पूछा गया हो कि निगेटिव वैल्यू क्या होगा, या निगेटिव दिया हो तो आपसे पूछा जाएगा कि पॉजिटिव वैल्यू होगा क्या होगा। तो ये लेकिन सेम ऑर्डर में होना चाहिए, या इधर एक्स माइनस वन बाई एक्स हो जाए या एक्स के पावर के माइनस वन बटा एक्स के पावर के, एक्स का वैल्यू कुछ दिया हो तो आपसे पूछा जाए एक्स के पावर के प्लस वन बाई एक्स के पावर के इसका वैल्यू क्या होगा। इस तरह से चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। तो जब भी सेम ऑर्डर का, देखिए एक्स के पावर के यहाँ पे है, एक्स के पावर एक यहाँ पे है, लेकिन इसका साइन क्या है, रिवर्स है। मतलब कि सेम ऑर्डर में निगेटिव दिया है तो आपसे पॉजिटिव पूछा जाएगा, पॉजिटिव दिया है तो निगेटिव पूछा जाएगा। इसके लिए अपन क्या करेंगे, क्या अप्रोच फॉलो करेंगे तो वो आप देख लीजिए। अब यहाँ पे भी मैं आपको कोई फॉर्मूला नहीं बताने वाला हूँ। आप लोगों में से बहुत लोगों को इसका फॉर्मूला पता होगा, फॉर्मूला से इजी तो हो जाता है बट प्रॉब्लम तब आती है कि आपको फॉर्मूला याद नहीं रह पाता है। कि जैसे यहाँ पे एक्स माइनस वन बाई एक्स का वैल्यू जो है आपको के दिया गया है, ठीक है, और एक्स प्लस वन बाई एक्स का वैल्यू पूछा गया है, तो आप देखेंगे कि ज़्यादातर लोग आपको बोलेंगे कि प्लस माइनस के स्क्वायर प्लस 4 एक फॉर्मूला ले लीजिए, और यहाँ पे के स्क्वायर या यहाँ पे एन है तो एन स्क्वायर, यहाँ पे एक्स प्लस वन बाई एक्स के दिया है तो एक्स माइनस वन बाई एक्स पूछा जाएगा, तो आपको बोलेगा कि ये फॉर्मूला रट लो, प्लस माइनस के स्क्वायर माइनस 4। बट भाई फॉर्मूला कितना याद करोगे, पूरा मैथ्स तो इस तरह से फॉर्मूला से भर जाएगा, फॉर्मूला कुछ नहीं करना है। देखिए मैं आपको क्या सजेस्ट करता हूँ, यहाँ से आप ऊपर तो जा सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर जिसका वैल्यू एन स्क्वायर माइनस 2 आता है। चलिए अब इससे तो नीचे जा सकते हैं क्योंकि
हायर जाना है तो माइनस वाला प्लस वाला दोनों से हायर में प्लस ही जा सकते हैं, बट नीचे आना है तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर से आप एक्स माइनस वन बाई एक्स भी बना सकते हैं, एक्स प्लस वन बाई एक्स भी बना सकते हैं। तो यहां से यदि ए वाला वैल्यू पूछा जाए तो इसका वैल्यू आपको पता है क्या होता है, देखिए नीचे जा रहा है तो स्क्वायर रूट प्लस माइनस होगा, जो वैल्यू दिया गया है एन स्क्वायर माइनस टू दिया गया है, और ये देखिए प्लस में है, जैसी करनी वैसी रखना है आपको, ये आपको निकालना क्या है प्लस वाला निकालना है, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स आपको दिया गया है, एक्स स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर सॉरी एन स्क्वायर प्लस टू, तो एन स्क्वायर प्लस टू है आपको निकालना है, एक्स प्लस वन बाई एक्स यानी कि प्लस वाला नीचे जा रहा है, जो जैसा है वैसा ही छोड़ देना है। क्या वो यही सेम फॉर्मूला है कि नहीं है? तो अब आपको एक यहाँ पे डिफरेंस पता चलेगा कि इस फॉर्मूला को आपको रटना पड़ेगा और इस फॉर्मूला को आपको कॉन्सेप्ट से समझ के आप बना सकते हैं। सिमिलरली इस चीज को देखें, एक्स प्लस वन बाई एक्स से आप एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स हायर ऑर्डर तो जा सकते हैं, जो कि आपको के स्क्वायर माइनस टू हो जाएगा, और सिमिलरली आप देखिए वन माइनस वन बाई एक्स एक लेवल नीचे आ सकते हैं, तो उसके लिए क्या होगा प्लस माइनस के स्क्वायर माइनस टू, पहले से आपको निकालना क्या है माइनस वाला, जो जैसा है वैसा ही रहने दीजिए, तो माइनस टू प्लस माइनस के स्क्वायर माइनस फोर आ गया कि नहीं आ गया? ऑब्वियसली आ गया। तो कोई फॉर्मूला यहां पे मत रटिए, मैं आपको फिर से बोल रहा हूं। सिमिलरली इसी पे कुछ एग्जांपल देख ले। सपोज आपसे पूछा गया हो कि x प्लस वन बाई एक्स पांच दिया गया है, तो x माइनस वन बाई एक्स क्या होगा? फॉर्मूला याद है तो आप कर सकते हैं इजिली, बट नहीं भी फॉर्मूला याद है तब भी इजिली करेंगे। कैसे देखिए, स्क्वायर वाला टर्म एक लेवल ऊपर जाएंगे तो क्या आ जाएगा, पांच का स्क्वायर माइनस दो 23 आ जाएगा, इससे नीचे उतरेंगे तो क्या आ जाएगा प्लस माइनस 23 माइनस दो 21, यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो गया रूट अंडर प्लस माइनस 21। सिमिलरली आपको एक्स माइनस वन बाई एक्स का वैल्यू सपोज 7 दिया है, आपसे पूछ रहा है एक्स प्लस वन बाई एक्स का वैल्यू क्या होगा, इससे एक लेवल ऊपर जाएंगे तो 49, 49 प्लस दो कितना आ जाएगा 51, इससे एक लेवल नीचे आएंगे तो क्या आ जाएगा प्लस माइनस 51 प्लस दो यानी कि क्या आ जाएगा प्लस माइनस रूट अंडर 53 विल बी द करेक्ट आंसर। तो आई होप जो मैं चीज आपको समझाने वाला हूं, मैं आपको फॉर्मूला से बचाने की कोशिश कर रहा हूं, वो अप्रोच आपको समझ में आ गया होगा। चलिए एक और एग्जांपल यदि आपसे मैं यहां पे पूछ लूं कि सपोज आपको दे दिया गया हो, कोई भी एक एग्जांपल आप ले सकते हैं, कोई एक एग्जाम्पल ले लीजिए, या एक्स प्लस वन बाई एक्स के जगह पे सपोज आपको एक्स के पावर एन प्लस वन बाई एक्स के पावर एन भी आपको पाँच दिया रहता और एक्स के पावर एन माइनस वन बाई एक्स के पावर एन आपसे पूछा जाता, सेम ऑर्डर है कि नहीं है? यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि सेम ऑर्डर के चीज में क्या होगा, यही चीज तो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, इससे एक लेवल ऊपर जाएंगे तो ये चीज क्या आ जाएगा 25 माइनस दो 23 आ जाएगा, अब इससे एक लेवल नीचे आएंगे लेकिन माइनस में आना है तो क्या आ जाएगा प्लस माइनस 23 माइनस दो जो कि प्लस माइनस 21 दे देगा। तो ये बेसिक है, इस चीज को आप समझिए, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आपको आएंगे और एसएससी पूछता है। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को देखते हैं। तो पिछले सेशन में मैंने आपको इस फॉर्मूला को बोला था कि आप याद रख लीजिए, यही एक फॉर्मूला मैं आपको अभी तक बोला हूं कि इसको याद रखिए, क्या एक्स के पावर 5 प्लस 1 बाई एक्स के पावर 5 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यू प्लस 1 बाई एक्स क्यू माइनस एक्स प्लस 1 बाई एक्स। अब यहां पर देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर को मैंने लिया है और एक्स क्यू प्लस 1 बाई एक्स क्यू को मैंने गुना किया है, अब एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर का गुणनफल, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यू का गुणन फल आप देखेंगे तो x के पावर 5 आएगा, क्यों? क्योंकि x के पावर m इनटू x के पावर n आपका x के पावर m प्लस n होता है, पूरे सरसन इंडिसेस में मैंने ये चीज बता दिया है। तो इसीलिए चूंकि आपको 5 लाना था तो 2 और 3 को गुना किए और उसमें से जो आपका था x प्लस 1 बाई एक्स उसको घटा दिए, सेम का यूज करके बाकी भी फॉर्मूला अपन निकालेंगे। और पार्ट 1 में मैंने एक चीज आपको बताया था कि हमेशा प्लस वाला फॉर्मूला को आप याद रखिए, जब भी आपको माइनस वाला फॉर्मूला आए तो आप प्लस वाले का ही हेल्प ले सकते हैं। कैसे? जैसे देखिए एक्स माइनस वन बाई एक्स के पावर 5 है, क्या आप इसको सॉरी एक्स टू द पावर 5 प्लस माइनस वन बटे एक्स टू द पावर 5 लिख सकते हैं? ऑब्वियसली लिख सकते हैं। या इस चीज को आप एक्स के पावर 5 प्लस
माइनस वन बटे एक्स के पावर, यहाँ पे आप फाइव बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं, यानी कि ओवरऑल आपने क्या किया है, वन बाई एक्स को आपने माइनस वन बाई एक्स आपको लेना है इस फॉर्मूला में, इस वाले फॉर्मूला में जो ऊपर फॉर्मूला वन बाई एक्स के जगह पे केवल आपको वन माइनस वन बाई एक्स रख देना है। तो देखिए इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा, इस वाले चीज में आपको क्या करना है, वन बाई एक्स के जगह पे क्या लेना है, माइनस वन बाई एक्स, सेम चीज इस फॉर्मूला में पुट कीजिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस माइनस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा, ये आपको ऐसे ही आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब प्लस माइनस वन बाई एक्स क्यूब, तो ये चीज आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस वन बाई एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस वन बाई एक्स। तो इसके लिए कोई एक्सटेंडर फॉर्मूला याद रखने की जरूरत आपको नहीं पड़ी, जस्ट आपने यहाँ का ए वाला मेन फॉर्मूला का यूज लिया। अब देखिए आपसे पूछा गया है एक्स के पावर सेवन प्लस वन बाई एक्स के पावर सेवन, सेवन लाना है तो सेवन को तीन और चार को जोड़ करके बना सकते हैं, यानी कि एक्स क्यूब और एक्स फोर पावर को ला सकते हैं, सेम ऊपर वाला पैटर्न को फॉलो कीजिए, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स क्यूब बटे वन बटे एक्स क्यूब इंटू एक्स फोर बटे वन बटे एक्स फोर, और यहाँ पे माइनस क्या है, जो सेम चीज़ है ओरिजिनल वाला उसको माइनस कर दीजिए, तो एक्स प्लस वन बाई एक्स हो गया। तो इसका भी फॉर्मूला याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। यदि आपको एक्स के पावर सेवन माइनस वन बाई एक्स के पावर सेवन, यहाँ पे क्या है वन बाई एक्स के जगह पे आप माइनस वन बाई एक्स रख रहे हैं, तो इस वाले फॉर्मूला में रखेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स क्यू माइनस वन बटा एक्स क्यू आ जाएगा, ये आपको एक्स फोर और प्लस ही हो जाएगा क्योंकि इवन पावर है, तो वन बटा एक्स फोर माइनस ये आपको एक्स माइनस वन बाई एक्स आ गया। तो इस चारों फॉर्मूला का आपको पूरे थ्रू आउट द अलजेब्रा यूज होगा, बट आपको याद क्या रखना है, केवल फर्स्ट वाला फॉर्मूला, उसी को यूज करके सेम पैटर्न फॉलो करके आप बाकी फॉर्मूला को खुद से डिराइव कर सकते हैं। अभी मैंने कुछ देर पहले बोला था कि पूरा मैथ्स जो है आपका फॉर्मूला से भरा पड़ा है, कितना फॉर्मूला याद रखेंगे, बेटर है कि आप जो बेसिक कॉन्सेप्ट है बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कीजिए। फॉर्मूला याद रखेंगे, आज याद रखेंगे, 10 दिन तक रहेगा, जिनकी याददाश्त सही है 1 महीना तक रहेगा, बाद में भूल जाएंगे, लेकिन अच्छी बात क्या है कि जिनका बेसिक सही है ना, बेसिक आपको सालों साल याद रखता है, केवल बीच बीच में थोड़ा भी प्रैक्टिस कर लेंगे तो बेसिक यदि ठीक है तो आप हर चीज़ को हमेशा के लिए याद रख सकते हैं। तो ये जस्ट दो कॉन्सेप्ट था हमारा आज के सेशन का। अब इसी कॉन्सेप्ट्स को यूज करके अपन जो भी सेशन में क्वेश्चंस लिए हैं सारे क्वेश्चंस को अपन देखने वाले हैं। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने का सिलसिला, लेते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है, एक्स टू द पावर 143 प्लस वन बाई एक्स टू द पावर 143 का वैल्यू 5 दिया गया है। अब यहाँ से आप हायर ऑर्डर यानी कि उसका स्क्वायर वाला पे जाएंगे तो वो चीज़ क्या आ जाएगा, 50 25 माइनस 2 23 आ जाएगा। अब आपको ये चीज़ से माइनस है तो या इसका लोअर ऑर्डर में आएंगे, कैसे आ रहे हैं देखिए, एक्स प्लस वन बाई एक्स है तो इसे आप एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर जा सकते हैं, और इससे आप एक्स माइनस वन बाई एक्स आ सकते हैं, यही चीज़ मैंने बेसिक फर्स्ट कॉन्सेप्ट में बताया था। तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, प्लस माइनस, निकालना क्या है माइनस वाला, तो 23 तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन जो गरीब है और गरीब होना चाहते हैं तो उसको कोई मदद नहीं कर सकता है, माइनस 2 आ जाएगा। इसका मतलब कि प्लस माइनस रूट अंडर 21 विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं, देखिए एक्स के पावर 59 प्लस वन बाई एक्स के पावर 59 9 दिया गया है, सेम ऑर्डर का चीज आपसे पूछा गया है, प्लस वाला दिया गया है माइनस वाला पूछा गया है, यानी कि इसका हायर ऑर्डर वाला निकालेंगे तो ये चीज क्या आ जाएगा, 9 9 81 माइनस 2 79 आ जाएगा। अब इसका चीज आपको निकालना है माइनस के टर्म में, एक लेवल नीचे आएंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 79। अब यहाँ पे माइनस है तो माइनस 2 हो जाएगा, क्योंकि गरीब गरीब होना और चाह रहा है तो कोई मदद नहीं कर सकता, यानी कि प्लस माइनस रूट अंडर 77, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड को लेते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड सेम क्वेश्चन नंबर वन है, लेकिन वहां पे प्लस दिया था माइनस पूछा था, यहाँ पे माइनस दिया है प्लस पूछा है, इससे आप हायर ऑर्डर जा सकते हैं, हायर ऑर्डर क्या हो जाएगा, 50 25 और ये माइनस है तो 2 जुट जाएगा, यानी कि 27 आ जाएगा। 27 से आप नीचे उतरिए, नीचे उतरेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस माइनस, अब बीच में प्लस वाला है दिया गया है तो 27 प्लस 2 हो जाएगा, यानी कि प्लस माइनस रूट अंडर 29 विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। एग्जाम्पल 4 देखिए, एक्स यहाँ पे आपको ये चीज़ क्या दिया गया है, इसको ये आपका माइनस दिया गया, चलिए चेंज कर देते हैं इसको,
सेम क्वेश्चन नंबर सेकंड को मैंने टाइप किया था, बट यहाँ पे मैं समझाना चाह रहा हूँ कि वहाँ पे प्लस दिया था माइनस पूछा था, यहाँ पे माइनस दिया है प्लस पूछा है। एक लेवल हाइयर जाएंगे यानी कि ये स्क्वायर वाले टर्म में, तो ये क्या आ जाएगा, 9 9 81 माइनस है तो प्लस 2 हो जाएगा यानी कि 83 आएगा। इससे एक लेवल नीचे आएंगे प्लस माइनस जाएगा, 83 प्लस वाला निकालना है तो प्लस 2 करेंगे, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, प्लस माइनस रूट अंडर 85, यानी कि ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। तो आई होप ये चीज़ें जो है आपको बेसिक से पूरे दिमाग में अब छप गया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन, ये तो जस्ट छोटा छोटा एग्जाम्पल था, अब हम लोग सही से अच्छा क्वेश्चन लेना शुरू करते हैं। चलिए लेते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ को। हम लोग का क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्या बोला है, इफ ए स्क्वायर माइनस 3a - 1 इज इक्वल टू 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ a(5 - 1)/a^5। अब आपको इक्वेशन क्या दिया गया है, ए स्क्वायर माइनस 3a - 1 इज इक्वल टू 0, क्या कुछ हो सकता है। चलिए a से डिवाइड करेंगे तो ये चीज़ क्या आ जाएगा, a - 3 - 1/a इज इक्वल टू 0। अब एक पैटर्न बन गया आपको, a - 1/a का वैल्यू कितना आ गया, 3 आ गया। अब देखिए x - 1/x का वैल्यू पता है तो इस चीज़ को आप आराम से निकाल सकते हैं। आपको फॉर्मूला किसका है, a5 - 1/a5 का निकालना है। a5 + 1/a5 का फॉर्मूला याद रखिए क्या होता था, a² + 1/a²। अब देखिए माइनस वाला है तो ये चीज़ आपको a² + 1/a² (a³ + 1/a³) होता था प्लस वाले केस में, लेकिन यहाँ माइनस है तो a³ - 1/a³, और माइनस जो था उसको घटा देना होता था यानी कि -a - 1/a। अब देखिए यहां पे आपको स्क्वायर का जरूरत है तो इसका आपको क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे यानी कि a² / 1/a² 3 3 9 2 11 आ जाएगा, तो इसका वैल्यू 11 आ गया। इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, अब a - 1/a पता है, a³ - 1/a³ हाइयर ऑर्डर जाएगा तो ये तो पता है तो 3 का क्यूब होगा, लेकिन आपको क्या है, ये आदमी माइनस के साथ है, गरीब है, तो इसको 3n का आपको क्या करना होगा, रिजर्वेशन देना होगा, एडवांटेज देना होगा। 3n कहने का मतलब 3 × 3, माइनस a - 1/a का वैल्यू आपको 3 आया हुआ है। देख लीजिए ये आ गया 11 × 3 3 9 3 27 और 9 36 - 3, ये कितना हो जाएगा, 11 6 66, 11 3 33 6 39 - 3, 396 में से 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 393, यानी कि इसका ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है बट आपको, इजी क्वेश्चन है बट आपको इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना था कि इसको कैसे a - 1/a का फॉर्मूला है, फिर यहाँ पे कैसे इस फॉर्मूला को यूज करें। चलिए क्वेश्चन नंबर सिक्स को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या बोला है, इफ a² - a+1 इज इक्वल टू 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ a^7 + 1/a^7। अब इस चीज को आप क्या, a² - a+1 इज इक्वल टू 0 दिया है तो a + 1/a इज इक्वल टू आप 1 लिख सकते हैं इस चीज को आप, क्योंकि a से भाग देंगे, a - 1 + 1/a इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, a + 1/a को आप 1 लिख सकते हैं। तो अब देखिए a^7 + 1/a^7 3 और 4 को मिलाकर बनेगा यानी कि a³ + 1/a³ (a⁴ + 1/a⁴) माइनस जो जैसा है वैसा ही a + 1/a जो ओरिजिनल है रहने देते हैं। अब आपको a³ + 1/a³ का यूज आने वाला है, a⁴ + 1/a⁴। अब इसको आप यहाँ से हाइयर ऑर्डर में a² + 1/a² निकाल सकते हैं जो कि क्या हो जाएगा, 1 - 2 - 1 आ जाएगा। यहाँ से आप यदि a⁴ + 1/a⁴ निकालना चाहेगा तो क्या आ जाएगा, -1 का स्क्वायर (-1 का स्क्वायर) (1 - 2) - 1 a आ गया। ठीक है, a³ + 1/a³ का वैल्यू निकालना है तो यहाँ से a³ + 1/a³ का वैल्यू यदि आप निकालना चाहेंगे तो क्या आ जाएगा, इस चीज़ इसका क्यूब करेंगे तो -1 होगा ही होगा। फिर आपको क्या करना होगा, -3n करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, -3n करना पड़ेगा। ओके, तो -3 और n का वैल्यू आपको क्या आया है, n का वैल्यू देख लीजिए क्या आया है, n का वैल्यू यहाँ पे क्या है, 1 है, यानी कि 1, जो कि आपको क्या दे देगा, ये चीज आपको 1 - 3 - 1 सॉरी aqa आपका nq करेंगे, 1 का क्यूब + 1 आ जाएगा, 1 - 3 - 2 आ जाएगा, तो ये चीज आपको पता हो गया। तो इसका वैल्यू क्या आ गया, -2, इसका वैल्यू क्या आ गया, -1,
क्योंकि यहाँ पे अपन निकाले हैं, और ए प्लस वन बाई ए का वैल्यू आपको क्या है, वन है, तो घटा देंगे। अब देखिए माइनस दो गुना वन क्या आ जाएगा, टू, टू माइनस वन क्या आ गया, वन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। बट इस क्वेश्चन में एक ट्रिक लगाया जा सकता है, क्या कि देखिए अभी मैं इसको डिस्कस नहीं करता हूँ, अभी फ्यूचर यूज के लिए बता देता हूँ। ए स्क्वायर माइनस ए प्लस वन बराबर जीरो, और एक इक्वेशन आता है ए स्क्वायर प्लस वन प्लस सॉरी ए स्क्वायर प्लस ए प्लस वन बराबर जीरो। इसका रूट ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर होता है, ए प्लस क्यूब रूट ऑफ यूनिटी माइनस प्लस माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर, और इसका होता है ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। एक कॉम्प्लेक्स नंबर का सिचुएशन में होता है, इसको भी डिटेल में अपन सॉल्व करेंगे। केवल अभी जान लीजिए कि वन प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू जीरो, ओमेगा क्यूब का वैल्यू वन आता है। तो यदि ए सेवन के जगह पे आपको रूट क्या आ गया इसका, इसका रूट ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर इस वाले इक्वेशन को, और इस इक्वेशन का माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो माइनस ओमेगा के पावर सेवन करेंगे तो ओमेगा सेवन आ जाएगा, प्लस माइनस ओमेगा सेवन, और ए आपको माइनस ओमेगा सेवन। देखिए माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, ओमेगा सेवन प्लस वन बाई ओमेगा सेवन। अब देखिए आपको क्या करना है, माइनस ले लीजिए ओमेगा सेवन, ओमेगा क्यूब वन होता है, तो ये चीज आपको ओमेगा बच गया, और ए भी चीज वन बाई ओमेगा को आप ओमेगा स्क्वायर बोल सकते हैं। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इस वाले इक्वेशन को यूज करें, क्या आएगा, माइनस वन आ जाएगा, माइनस वन और बाहर में माइनस वन आएगा, तो वन आंसर। तो अभी इस चीज़ पे आप दिमाग मत दीजिए, कभी जो बेसिक से बताएं उसको देखिए, इसको बाद में अपन एक्सप्लेन करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर सेवेंथ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेवन क्या है, ए स्क्वायर माइनस थ्री ए प्लस वन। अभी आपने देखा आप इस चीज को ए माइनस वन बाई ए का वैल्यू थ्री लिख सकते हैं। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए सेवन माइनस वन बाई ए सेवन। ए सेवन माइनस वन बाई ए सेवन का फॉर्मूला आप खुद से डिराइव कर सकते हैं, क्या ए क्यू माइनस वन बाई ए क्यू इंटू ए फोर प्लस वन बाई ए फोर माइनस ए माइनस वन बाई ए। अब देखिए ए क्यू माइनस वन बाई ए क्यू, यहाँ से आप इजीली निकाल सकते हैं, क्या ए क्यू माइनस वन बाई ए क्यू का वैल्यू तीन तिहाई नौ त्रि सत्ताईस माइनस करना होगा तो प्लस थ्री एन करना जो कि 36 दे देगा। यहाँ से ए स्क्वायर प्लस वन बाई ए स्क्वायर भी निकाल सकते हैं, क्या हो सकता है तीन तिहाई नौ, नौ प्लस दो ग्यारह। अब इसका हायर ऑर्डर यानी कि ए फोर प्लस वन बाई ए फोर निकालना चाहेंगे तो ये क्या जाएगा, ग्यारह के नहीं है 121 माइनस दो 119 आ गया। पुट कर दीजिए इसका वैल्यू, इसका वैल्यू कितना आया 36, इसका वैल्यू कितना आया 119 आया और माइनस थ्री। अब देखिए यदि ये 120 रहता तो क्या आ जाता, 12 छक 72, चलिए इसको गुना कर देते हैं, 12 छक 72, 12 तिहाई 36 और 7 43, 4300 आ जाता, लेकिन ये 119 है यानी कि 36 घटाना पड़ेगा। ये चीज क्या आ जाएगा, 42 42, 12 छक 72। ओके चलिए इसको एक बार और गुना करते हैं, क्या आया है 12 छक 72 का 2 आएगा, 4320 में से 36 करेंगे तो 4284 आ जाएगा। तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 4284 माइनस थ्री, यानी कि इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 4281। इस क्वेश्चन का राइट आंसर 4281, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। कुछ नहीं करना है पूरे अलजेब्रा में, आपको केवल नंबर के साथ ही खेलना है, कुछ एक्स्ट्रा आपको करने की जरूरत नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर एट्थ को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर एक्स एट्थ क्या बोला है, एक्स प्लस वन बाई एक्स इज इक्वल टू 13 रूट अंडर 13 एंड एक्स इज गिवेन दैट कि वन एक से बड़ा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए के पावर 5 माइनस वन बटा ए के पावर नहीं एक्स के पावर 5 बटे माइनस वन बटा एक्स के पावर 5, यानी कि एक्स प्लस वन बाई एक्स रूट 13 दिया है तो एक्स टू द पावर 5 माइनस वन बाई एक्स टू द पावर 5 आपसे पूछा गया है। यहाँ पे हर जगह देखेंगे एक्स वाई जेड, हर जगह यहाँ पे पूरे अलजेब्रा में पूरे ये वेरिएबल्स चलते रहते हैं, खास करके एक्स तो आपको मैथ्स में बहुत चलते रहता है। तो रियल लाइफ में जब जितना भी हो आप अपने एक्स को भूल सकते हैं, बट जब आप अलजेब्रा पढ़ रहे हैं तो अलजेब्रा में आप कोशिश भी मत कीजिए अपने एक्स को भूलने का। रियल लाइफ में हो सके जरूर भूल जाइए एक्स को, बट अलजेब्रा में याद रखिए, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे ये चीज़ आपको निकालना है, एक्स के पावर 5 माइनस वन बाई एक्स के पावर 5। अब यहाँ से आप क्या जा सकते हैं, एक्स के पावर 5
में आपको x माइनस वन बाई एक्स का यूज आने वाला है। तो सेम जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट बताए थे, यहाँ से हाइयर ऑर्डर यदि जाएंगे आप तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर निकालना चाहेंगे तो क्या आ जाएगा, रूट थर्टीन का स्क्वायर, रूट थर्टीन का स्क्वायर 13, 13 में से 2 चला जाएगा 11। अब यहाँ से आप इजिली लौट सकते हैं एक्स माइनस वन बाई एक्स पे, क्या आ जाएगा 11, और 11 में से आप प्लस माइनस देख लीजिए, 11 11 में से 2 जाएगा 9, यानी कि प्लस माइनस 3 आएगा, जो कि आप 3 लेंगे क्योंकि एक्स का वैल्यू 1 से बड़ा दिया गया है, तो माइनस वाला आपको इग्नोर करना पड़ेगा। चलिए, तो एक्स माइनस वन बाई एक्स का वैल्यू आपको मिल गया। अब आपको एक्स फाइव माइनस वन बाई एक्स फाइव का वैल्यू निकालना है। देखिए यहाँ से फॉर्मूला फिर से मैं लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यू माइनस वन बाई एक्स क्यू माइनस एक्स माइनस वन बाई एक्स। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर 11 तो आ गया है, यदि आप यहाँ से एक्स क्यूब माइनस वन बाई एक्स क्यूब निकालना चाहेंगे क्या आ जाएगा, इसका क्यूब तो करेंगे ही, तो 3 का क्यूब तो हम करेंगे ही करेंगे, प्लस क्या है ये माइनस वाला है, तो 3n का आप इसको रिजर्वेशन दीजिए, यानी कि 3 गुना 3 ये 36 आ जाएगा। आप वैल्यू पुट कर दीजिए, 11 गुना 36 माइनस 3। सेम आपका पाँचवा क्वेश्चन शायद सेम था, ये कितना आ जाएगा 396 माइनस 3, जो कि आपको 393 दे देगा। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। सेम फिफ्थ क्वेश्चन बाद में जाकर के फिफ्थ क्वेश्चन ही ये बन गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 9th को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9th क्या है, एक्स टू द पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स टू द पावर 4 527 दिया गया है, एक्स प्लस 1 बाई एक्स पूछा गया, बहुत ईजी क्वेश्चन है। एक लेवल नीचे आएंगे क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 529 आ जाएगा, जो कि प्लस माइनस 23 दे देगा। एक लेवल नीचे आएंगे, एक लेवल नीचे आएंगे, माइनस को इग्नोर कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा 23 प्लस 2, जो कि आपको प्लस माइनस में 5 दे देगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, प्लस माइनस 5 विल बी द करेक्ट आंसर। मैं जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके क्वेश्चन लेने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 10th को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10th क्या है, एक्स टू द पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स टू द पावर 4 1119 दिया गया है, एक्स क्यू प्लस 1 बाई एक्स क्यू का वैल्यू पूछा गया है। यहाँ से आप क्या नीचे उतर सकते हैं क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स इज ग्रेटर देन 1 दिया गया है, तो निगेटिव वैल्यू को आप इग्नोर कर सकते हैं, तो ये चीज़ क्या आ जाएगा 11। एक लेवल और नीचे आएंगे तो एक्स प्लस 1 बाई एक्स क्या आ जाएगा, 11 में से 2 गया 9, 9 का रूट 3 आ गया, तो इसका वैल्यू कहीं गलती की है क्या, 11 11 और प्लस वाला, सॉरी 3 नहीं आएगा, यहाँ पे प्लस पूछा गया है, तो आपको रूट 13 इसका आ जाएगा। तो एक्स प्लस वन बाई एक्स कितना आ गया, रूट 13 आ गया। अब देखिए एक्स प्लस वन बाई एक्स आपको पता है, तो एक्स क्यू प्लस वन बाई एक्स क्यू करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, इसका क्यूब कर दीजिए, एन क्यू, एन क्यू माइनस 3n होता है क्योंकि बढ़ रहा है, तो उसमें से माइनस करना होगा, तो रूट 13 का क्यूब माइनस 3 गुना रूट 13, ये कितना आ जाएगा 13 रूट 13 माइनस 3 रूट 13, जो कि आपको 10 रूट 13 इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। इजी है बट अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, आपको बहुत चीज कैसे यहाँ पे क्या हुआ, नीचे भी आप उतरे, यानी कि हायर टू लोअर ऑर्डर भी गए और लोअर टू हायर ऑर्डर भी सेम क्वेश्चन में गए। कुछ नहीं करना है, माइंड में ही सब कुछ कैलकुलेट करके आपको सीधा आंसर को मार्क करना है और हार्डली एक या दो स्टेप आपको लिखने हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11th ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11th क्या बोला है, इफ़ एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 66, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 बाई एक्स। अब हम क्या करते हैं, ईच टर्म में एक से भाग दे देते हैं, तो एक्स प्लस 2 माइनस 1 बाई एक्स आ गया। अब देखिए ये चीज़ आपको क्या आ गया, x माइनस 1 बाई एक्स प्लस 2 आ गया, ये चीज़ तो जाना पहचाना लग रहा है, जस्ट आपको फॉर्म चेंज करना है। एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर से एक लेवल नीचे आएंगे तो आप यहाँ से x प्लस 1 बाई एक्स भी निकाल सकते हैं, x माइनस 1 बाई एक्स भी निकाल सकते हैं, तो हमको ज़रूरत है x माइनस 1 बाई एक्स का, तो क्यों ना हम x माइनस 1 बाई एक्स निकाले, जो कि आपको क्या दे देगा, जो कि आपको प्लस माइनस रूट अंडर 66 है, माइनस निकालना है, ये नीचे की तरफ जा रहा है, जो जैसा है वैसा ही छोड़ देंगे, तो 66 माइनस 2, जो कि आपको प्लस माइनस 8 दे दिया। अब इस वाले चीज़ में आप इसको वैल्यू पुट कीजिए, यदि आप 8 पुट कर रहे हैं तो 8 प्लस 2 हो रहा है, माइनस 8 पुट कर रहे हैं तो 8 प्लस 2 हो रहा है, यानी कि पहला केस में आंसर 10, दूसरे केस में आंसर -6। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आइदर 10 और -6 विल बी द
करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ज्यादातर केस में आप लोग में से इस क्वेश्चन का राइट आंसर लोग 10 करेंगे। लोग इस केस में भूल जाते हैं कि माइनस भी कंसीडर करना है। मैं एक चीज आपको नोट में बता दूं कि जब भी आपको लोअर टू हायर जा रहा है, आप साइन को मत ध्यान में रखिए, लेकिन जब भी आप ऊपर से नीचे यानी कि हायर टू लोअर आ रहे हैं, एक बार क्वेश्चन का कंडीशन जरूर चेक कीजिए। कुछ कंडीशन यदि नहीं दिया है तो हमेशा प्लस माइनस को हमेशा कैरी कीजिए, आपको रॉन्ग आंसर दिलवा देगा यदि इस चीज को केवल प्लस को लेकर के आप चलते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, एक्स फोर प्लस वन बाई एक्स फोर आपको 527 दिया है। कंडीशन दिया गया है एक्स इज ग्रेटर देन वन, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फोर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस वन का वैल्यू। अब देखिए ऊपर से आप यदि एक्स कॉमन ले रहे हैं तो देखिए क्या बन रहा है, ये आपका एक्स क्यूब बच जाएगा प्लस नीचे में वन बाई एक्स क्यूब बच जाएगा। यदि एक एक्स को वन बाई एक्स से गुना करेंगे तो वन बटे एक्स स्क्वायर आएगा, और नीचे भी एक्स से यदि आप भाग दे रहे हैं तो क्या बच जाएगा, एक्स माइनस थ्री प्लस वन बाई एक्स। इस चीज को में से आप एक्स एक्स कैंसिल आउट हो गया, इसको आप एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब और नीचे आप एक्स प्लस वन बाई एक्स माइनस थ्री बोल सकते हैं। अब देखिए एक्स टू द पावर फोर प्लस वन बाई एक्स टू द पावर फोर का वैल्यू पता है, तो आप वहां से एक्स प्लस वन बाई एक्स निकालेंगे तो ऊपर वाला भी निकल सकता है नीचे वाला भी निकल सकता है, बहुत ईजी हो गया। इसीलिए इस चीज को मैं यहाँ पे इस फॉर्म में लाने की कोशिश किया हूँ। अब देखिए एक लेवल नीचे आएंगे, लोअर ऑर्डर पे जाएंगे, तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर। लोअर ऑर्डर जा रहा है, जो जैसा है वैसा ही रहने दीजिए। यहाँ पे कंडीशन दे दिया है एक्स इज ग्रेटर देन वन, तो आप निगेटिव चीज को आप इग्नोर कर सकते हैं। तो यह क्या आ जाएगा, रूट अंडर 527 प्लस 2 529, जो कि आपको 23 दे देगा। यहां से एक लेवल और नीचे उतरिए, एक्स प्लस वन बाई एक्स प्लस दिया गया है, जैसा है वैसा ही रहने दीजिए। 23 प्लस 2 माइनस, इसलिए इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि एक्स कंडीशन के अनुसार, तो ये चीज आपको कितना आ गया, 5 आ गया। अब एक्स प्लस वन बाई एक्स पता है तो एक्स क्यू प्लस वन बाई एक्स क्यू निकाल सकते हैं, कैसे, एन क्यू माइनस थ्री एन से, तो 5 का क्यूब ओके माइनस थ्री गुना 5, ये कितना दे देगा, 125 माइनस 15 यानी कि 110 दे देगा। देखिए मैं अभी समझाने के लिए आपको हर एक टर्म को एक्सपैंड करके पूरा पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बट आप सॉल्व करते वक्त ये सारा चीज़ ये लिखने की क्या ज़रूरत है, आपके सेल्फ अंडरस्टूड होना चाहिए, सीधा यहाँ पे आना चाहिए इस तरह से लिखने का हर एक टर्म का कि दिस इज इक्वल टू दैट करने की ज़रूरत नहीं है। अब इस वाले पुट में इक्वेशन जो आपका है उसमें पुट कर दीजिए, एक्स क्यू प्लस वन बाई एक्स क्यू का वैल्यू कितना आया, 110, एक्स प्लस वन बाई एक्स का वैल्यू आपको कितना आया, 5 आया, और माइनस 3 तो पहले से है यानी कि 110/2 जो कि आपका 55 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी 55 विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोला है, एक्स टू द पावर फोर प्लस वन बाई एक्स टू द पावर फोर, 119 दिया है, कंडीशन भी दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। अगेन आप इसमें से एक्स कॉमन लेंगे तो ये चीज क्या आ जाएगा, एक्स फाइव माइनस वन बटे एक्स फाइव, इसमें से एक्स कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स माइनस वन बाई एक्स माइनस टू आ जाएगा, एक्स एक्स कैंसिल आउट हो गया, मतलब कि इसका वैल्यू आपको निकालना है। चलिए अब इसके लिए आपको एक्स माइनस वन बाई एक्स की जरूरत पड़ने वाली है, तो यहाँ से आप एक लेवल नीचे आइए, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा, 119 प्लस 2 121 का स्क्वायर रूट 11। यहाँ से आप एक्स माइनस वन बाई एक्स पे यदि उतरेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, एक्स माइनस वन बाई एक्स का वैल्यू कितना आ गया, 3 आ गया। अब देखिए एक्स फाइव माइनस वन बाई एक्स फाइव की जरूरत है, फॉर्मूला खुद से बनाइए, ओरिजिनल फॉर्मूला एक्स फाइव प्लस वन बटे एक्स फाइव से क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन बटे एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब माइनस वन बटे एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस वन बाई एक्स। अब देखिए यहाँ से ये चीज़ पता है, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर तो आपको पता है, अब एक्स क्यू माइनस वन बाई एक्स क्यूब इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 11 आया ही हुआ है, ये क्या आ जाएगा, 3 का क्यूब
3 × 3 36 आ जाएगा, एक क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। इसका भी सेम क्वेश्चन अपन 2 बार ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, क्या आ जाएगा 396 − 3, ये आपको 393 दे देगा। चलिए इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 393 आ जाएगा। अब इसमें पुट कीजिए x5 − 1/x5 का वैल्यू 393, x − 1/x का वैल्यू 3, पहले से 2 है यानी कि 393 बटा नीचे तो 1 आ गया, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ गया, 393। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो चलिए ये था हमारा आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट सेशन भी इसी पे बेस्ड होगा बट थोड़ा सा न्यू कॉन्सेप्ट के साथ, इसी में थोड़ा सा अच्छा एक कॉन्सेप्ट है जहाँ पे इसमें थोड़ा और मॉडिफिकेशन करके क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, उसको लेते हैं। चलिए आज के सेशन को अपन यहीं क्लोज करते हैं। तो नेक्स्ट सेशन में अपन देखने वाले हैं इसका थोड़ा सा एक्सटेंशन जो है ईजी ही है बट इसी का थोड़ा सा एक्सटेंशन करके कि हर केस में x + 1/x नहीं दिया जाएगा, ax + b/x का वैल्यू कुछ दिया रहेगा, जहाँ पे आपको 2ab जो आपको स्क्वायर कर रहे थे तो ए और बी का प्रोडक्ट आपको एग्जैक्ट 1 नहीं आ रहा था, तो उस तरह के क्वेश्चंस को अपन देखने वाले हैं। ठीक है, तो आई होप आप पार्ट 1, 2, 3 को पार्ट 4 से देखने से पहले जरूर रिवाइज कर लीजिए, धीरे धीरे आपका डिफिकल्टी लेवल बढ़ते चला जाएगा। तो चलिए आज के सेशन को अपन यहीं क्लोज करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में पार्ट 4 के साथ।